Subscribe to Shimaru Shorties and click the bell icon to never miss an update. ये हैं लक्ष्मी, एक बार डांसर। बार में डांस करते हुए अपनी बेटी एकता और बेटे करण को डॉक्टर बनाना चाहती थी, मगर बार बंद होने से इनका सपना ही नहीं टूटा, खुद भी दुनिया छोड़कर चली गई और अपना सपना साकार करने की जिम्मेदारी अपनी बेटी को दे गई। और एकता ऐसा ही करती है। करण को राजस्थान के अजमेर में एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिला देती है। काजल, तू आज सुबह सुबह यहाँ पर क्या हुआ? कुछ बोलेगी? सब कुछ ठीक है ना? क्या बात है काजल, सब कुछ ठीक है ना? क्या बताऊं यार, बॉस ने दिमाग की माँ की आंख कर रखी है। पिछले 5 साल से सैलरी बढ़ाने की बात कर रहा है। साले ने तो आज हद ही क्रॉस कर दी। कहता है मेरा दिल आ गया है तुम पे, चलो कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। जितनी चाहो सैलरी बढ़ा दूंगा। चप्पल उतार के 4 मार के आ रही हूँ उसे। लॉन्ग ड्राइव पे ले जाएगा, कॉफी पिलाएगा मुझे, कमीना कहीं का। आ गई उसकी नौकरी हमेशा के लिए छोड़कर, नहीं करनी मुझे उसकी नौकरी। पहले तेरी तरह मैं भी प्राइवेट जॉब करती थी। कभी बॉस का दिल मेरे ऊपर आ जाता तो कभी मैनेजर का दिल मेरे ऊपर आ जाता। या तो उनकी बातें मानो और अगर उनकी मर्जी के खिलाफ कोई भी काम करो तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर जॉब से निकाल देते थे। जब तक मुझे कोई ठीक सा जॉब नहीं मिल जाता तब तक प्लीज मुझे अपने साथ एक पार्ट टाइम जॉब दिलवा दे। ओके, डोंट वरी, आज शाम को हम पार्टी में जाएंगे। हेलो हैरी। एकता, एंड शी इज माय फ्रेंड कैट। हाय कैट, मतलब बिल्ली? यस बिल्ली। बिना इसकी इजाजत इसे कोई छू ले तो ये उसे काट लेती है। खतरनाक है। हेलो मिस्टर हैरी, ओनली डिनर, नो टच। ऐसा क्या? लिखी हूँ, कोई अच्छा सा जॉब क्यों नहीं कर लेती हूँ? ये पार्ट टाइम कब तक करती रहोगी यार ऐसे? काजल, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन 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 क्या है एकता, बोलना यार क्या? मैंने कई जगह नौकरी भी की, लेकिन लेकिन हर जगह मेरा शोषण होता रहा। और जब एक अच्छा बॉस मिला। मे आई कम इन सर? यस कम इन। ये क्या एकता जी, आज फिर इतना लेट? सॉरी, आई एम सो सॉरी सर। इट्स ओके। एक काम करो, पांडे जी को कॉल करो और उनको बोलो कि मैं 2 बजे आ रहा हूँ, मॉडल को बुला के रखें, आज फाइनल करना है। ओके सर, मैं पांडे जी को बोल दूंगी। प्लीज गो। थैंक यू सर। क्या बात है पांडे जी, यह लड़की मेरे ऐड के लिए परफेक्ट है। जरा इसे अपने शर्तों से वाकिफ करवा दीजिए। अगर ये तैयार है तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए फार्म हाउस पर ले आइए। कमबख्त ये शराब चढ़ती नहीं और बुलबुल का नशा
उतरता नहीं। मतलब ये हुआ तू इस शराब से भरे गिलास में अपनी बुलबुल को ढूंढ रहा है? करेक्ट यार, जब से बुलबुल को देखा है ना उसके साथ उड़ने को मन मचा, बस एक बार मिल जाए। बुलबुल उड़ती चिड़िया है, वो पंखों से नहीं नोटों से उड़ती है। हेलो। हेलो, हाँ दीदी, मैं करण। हाँ करण, बोल कैसा है तू? मैं ठीक हूँ। और तेरी एग्जाम्स की तैयारी कैसी चल रही है? वो सब परफेक्ट है दीदी, पर तू मुझे सबसे पहले ये बता कि बात क्या है। दीदी वो एग्जाम फीस जमा करनी है। फीस? इसमें कौन सी बड़ी बात है, बता कितनी? वो 3 लाख रुपए देने हैं। 3 लाख? हाँ ठीक है, 3 लाख का बंदोबस्त हो जाएगा। ठीक है करण, तू अपना ध्यान रख और तू सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। नमस्कार एकता जी। नमस्ते पांडे जी, आज हमारे ऑफिस में कैसे? बस आपके दर्शन करने चला आया। आपके दर्शन समझो आज का दिन तो अच्छा ही जाएगा। हाँ। पांडे जी आप मुझे एक बात बताइए, मेरे पास ऐसा क्या है जिसे देखने के बाद आपका दिन अच्छा जाएगा? अरे ऐसा कहिए, क्या नहीं है आपके पास? एक खूबसूरती की मूर्त है आप। ये तराशा हुआ बदन, मुझे तो लगता है वो सांचा ही टूट गया होगा आपको बनाने के बाद। पांडे जी हाँ। ये सब छोड़िए आप, नागपाल जी पेमेंट दे गए हैं आपके लिए। ये रहा आपका बैलेंस पेमेंट, 25,000 रुपए, गिन लीजिए। ये रहा वाउचर, इस पे आप सिग्नेचर कर दीजिए। हाँ जी अभी किए देता हूँ सिग्नेचर। थैंक यू पांडे जी। ये लीजिए मेरा कार्ड, कभी जरूरत पड़े तो याद कीजिएगा इस पांडे को। बोलो एकता, आखिर बात क्या है? सर वो एक्चुअली हमें 3 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। बस इतनी सी टेंशन, हो जाएगा, मैं दूंगा तुम्हें 3 लाख रुपए। एकता मैं एक बात सोच रहा हूं, क्यों ना मैं तुम्हारे भाई को अपना साला बना लूं? हाँ पर इसमें तुम्हारी रजामंदी हो तो। पर सर आप तो पहले से ही शादीशुदा हैं। एकता अब नहीं हूं मैं। सर हम कुछ समझे नहीं। एकता जब आज से 5 साल पहले मेरी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा था, पर कुछ ही दिनों बाद मेरी पत्नी के मेरे बॉस के साथ रिश्ते बन गए और दौलत की चाहत के कारण वो छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली गई, मुझे डिवोर्स दे दिया, बॉस से शादी की और अब वो अमेरिका में सेटल है। सो सैड सर। इट्स ओके एकता, इट्स ओके, जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एकता क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्लीज हाँ या ना में जवाब देना। अरे वाह, जिस कंपनी में तू काम करती थी उसी की मालकिन बन गई। नहीं काजल, शायद किस्मत को मेरी खुशियां बर्दाश्त ही नहीं थी। ऐसा क्या हुआ?
एक दिन मिस्टर नागपाल घर से ऑफिस आ रहे थे और तभी उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए और उनका एक्सीडेंट हो गया और वहीं उनकी मौत हो गई। मैं जिस चौराहे पर खड़ी थी उसी चौराहे पर चार रास्ते निकलते थे। एक मेरा भाई डॉक्टर बनने जा रहा था और उसकी फीस 3 लाख रुपए। उसकी मुझे सख्त जरूरत थी। तभी मुझे पांडे जी का ख्याल आया। पांडे जी? हाँ? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए ना एकता जी, बोलिए। वो पांडे जी, मुझे ना 3 लाख रुपए चाहिए। मेरे भाई की MBBS की एग्जाम की फीस जमा करनी है। एकता जी, 3 लाख कमाने में पूरा 1 साल लग जाता है। मेरे पास कुछ एड फिल्में हैं, उससे आपको क्या मिलेगा? 10,000, 20,000, 30,000? हाँ पांडे जी, मैं कुछ भी करूंगी, आप बस मुझे 3 लाख रुपए दिलवाइए। सर देखिए ना, इसे टकाटक है, भरा भरा है और खूबसूरत भी है, बिल्कुल परी है। देखिए ना सर, कुछ भला हो जाए तो। पांडे जी प्लीज, आपको तो मालूम है कि मैं यहाँ बैठा ही हूँ भला करने के लिए। हाँ वो तो मुझे पता है सर। हाँ जैसा मैं सोच रहा था ना, मुझे लगता है कि इनमें टैलेंट है। हाँ लेकिन पांडे जी देखो, आपको तो मालूम है। हीरोइन तो ये बन जाएंगी। हाँ और इनका काम भी हो जाएगा। हाँ लेकिन फिर अपना भी तो। नहीं नहीं सर, होगा ना होगा, आप बोले तो। चलो। हाँ एक तरफ करण की फीस 3 लाख और दूसरी तरफ प्रोड्यूसर के साथ कॉम्प्रो, क्या करूं? अगर 3 लाख रुपए जमा नहीं किए तो करण डॉक्टर नहीं बन पाएगा, माँ का सपना अधूरा रह जाएगा। माँ के सपने को पूरा करने के लिए मैं कुछ भी करूंगी, करण डॉक्टर जरूर बनेगा जी। अरे स्पॉट, जरा चाय पानी लेकर आना और जूस मेरे लिए भी हो। ये ले तेरे एग्जाम की फीस, पूरे 3 लाख रुपए। और हाँ याद करके इसे तू कॉलेज में जमा करा देना। तुझे पता है ना, माँ का सपना तुझे ही पूरा करना है। नहीं दीदी, माँ का सपना मैं नहीं, आप पूरा कर रही हो। और जल्द ही माँ का सपना पूरा होगा। मैं माँ के नाम से एक आलीशान गरीबों के लिए नर्सिंग होम बनवाऊंगा, जिसकी ओनर आप होंगी। चलो दीदी, मैं आपको स्टेशन छोड़ दूं। नहीं करण, मैं चली जाऊंगी। तू सिर्फ और सिर्फ अपनी एग्जाम्स की तैयारी कर और खूब मन लगा कर पढ़, ठीक है? ओके। मैं चलती हूं। बाय। बुलबुल, मैं आ रहा हूं। नाच मेरी बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा और पैसे के साथ तुझे इस करण का प्यार भी मिलेगा। एकता जी, डॉक्टर साहब, आप सुनिए, आइए बैठिए, मैं छोड़ देता हूं। हमारे शहर में क्या कर रही हो एकता? सर कुछ नहीं, बस करण से मिलने आई थी। करण से मिलने? कैसा है वो? कैसा है मतलब? मुझसे ज्यादा तो आप जानते हैं ना कि वो कैसा है। अच्छा तो तुम्हें शायद करण ने कुछ बताया नहीं। क्या डॉक्टर साहब, मैं समझी नहीं। उसने कुछ एक नर्स के साथ बदतमीजी कर दी थी। करण, ये क्या हरकत है? और उसको कॉलेज से निकाल दी। दीदी, तुम मत बोल, तुम
मुझे अपनी गंदी जबान से दीदी। मर गई तेरी दीदी। तूने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया करण, अपनी दीदी को इतना बड़ा धोखा दिया। मैंने अपनी इच्छा को मारकर मैं तुझे इसलिए पैसे देती थी ताकि तू यहाँ पर उन पैसों से शराब पिए, अय्याशी करे। बोल, इसीलिए तुझे डॉक्टर बनाने के लिए मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कभी करना भी नहीं चाहती थी। और तू यार ये सब कुछ कर रहा है। बोल करण, बोल। डॉक्टर बनने का सपना आपने और माँ ने देखा था, मैंने नहीं। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगा, जैसा मैं चाहता हूँ। आप मेरी फिक्र करना छोड़ दो एकता जी। आज के बाद मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं। चार लोगों का मर्डर? किसने किया ये मर्डर? कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी कोलकाता, मेरठ, बदायूं, जगह जगह से ऐसी घृणित खबरें हर रोज सुनने को मिलती हैं। कब रुकेगा? आखिर कब रुकेगा ये सब? कब?